वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कौशल क्रिएशन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज मैं कुछ इस तरीके की एडिटिंग करने वाला हूँ विजय मेहर की तरह। तो फ्रेंड्स, अब बैकग्राउंड ओपन हो चुका है, इसको हम लोग शेयर कर लेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड ओपन हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कुछ टाइम लगता है इसको ओपन होने में, क्योंकि ये ओपन होता है। हम लोग जाते हैं ऐड फोटो टूल में, ऐड फोटो फ्रेंड्स। आप भी इसी पोज में अगर फोटो क्लिक करवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से इसको सेव कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसको मैंने ज़्यादातर मैं अपने पिक को जो भी अपने मॉडल होते हैं उनके बैकग्राउंड भी देख करके रखता हूँ। आपको अगर सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं बात है। यहाँ पर फिर जैसे फोटो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर फायर करेंगे सी एन जी लिंक भी मैं नीचे आपको दे दूँगा। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको सेव करेंगे। ये फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैं यहाँ पे हेयर सेट कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आप हेयर सेट कर लेंगे। मैं यहाँ चेंज ही दे दूँगा अगर आपका भी हेयर कुछ इस तरीके का है, वरना आप अगर नहीं होगा तो आप लोग आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, बहुत ईजी वे में डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा टफ नहीं होता डाउनलोड करना। कुछ इस तरीके से इसको हम लोग सेट कर लेंगे फ्रेंड्स। एडिटिंग मैं परसों इंस्टा चला रहा था, इस वजह से मैंने देखा कि विजय महाराज ने इस फोटो को डाला, तो मैं सोचा मैं खुद ये मैं डालूँगा लोगों को दिखाऊँ कि विजय महाराज भी कैसे एडिटिंग करते हैं। फिर से हाई फोटो में जाएंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब कुछ इस तरीके से हम लोग फायर के PNG ले लेंगे। PNG भी बैकग्राउंड में दे दूँगा मैं, कितनी बार फायर करके बताता हूँ, ज़्यादा ही नहीं होगा। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे मॉडल के पास माचिस की टीली है। जैसे आपको अगर पोज देना हो माचिस की टीली तो फिर कोई बात नहीं, जैसे भी इससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है फोटो और इसमें मज़ा आती है फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो बता रहे थे कि मेरी आवाज़ इसमें खुल हुआ फ्रेंड्स, मैं कुछ में माइक खरीद लूँगा बनना बेहतर, तो मेरी आवाज़ और बेहतर आएगी। अभी तो काफ़ी इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग इसको सेट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब आप जल्दी इसी तरीके से मुझे शेयर मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। मैं जल्दी एक से एक अच्छी अच्छी वीडियो इस मंथ में, नहीं तो अगले मंथ में अच्छे से वीडियो और डालूंगा। देख सकते हैं फ्रेंड, इस PNG को भी हम लोग उठा लेंगे और कुछ इस तरीके से इसके हाथ पे मॉडल के हाथ में सेट करेंगे। फिर से इसको एक फ़ोटो में जाएंगे फ्रेंड्स, और फिर से वही PNG उठाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी आपको सेट करना है। और फ्रेंड्स, बस ज़्यादा नहीं, आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है वॉइस की, वॉइस मैं कुछ दिनों में ठीक कर लूँगा, बस वॉइस थोड़ी प्रॉब्लम है अभी, मेरे पास बढ़िया माइक नहीं है। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स अभी आप लोग ऐड करेंगे। अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके हैंड पीस को ऐड करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कोई प्रॉब्लम होती है PNG डाउनलोड करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा कि कैसे मेरे PNG को डाउनलोड करें। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी हम लोग इसको कर लेंगे फ्रेंड्स। इसके लिए मैं आपको प्रीसेट दे दूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, क्योंकि प्रीसेट फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी वे होता है एडिटिंग करने के लिए। लाइटरूम में अगर आप कर नहीं पाते हैं, इस वजह से मैं प्रीसेट देता हूँ, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। मगर फ्रेंड्स, कुछ लोग बता रहे थे कि वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगा जल्दी। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ब्यूटी में जाके थोड़ा सा इसको कर लेंगे ताकि थोड़ा ये बेहतर लगे, थोड़ा सा जो चेहरे पे मॉडल के पिंपल्स वगैरह रहती हैं वो सब छूट जाते हैं और क्या। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को फेस एडिटिंग सीखनी है तो मैं इसके लिए अगर कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूँगा फ्रेंड्स। यहाँ से कर लेंगे ओके। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से फेस थोड़ी क्लियर दिख रही है। यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग ये देखिए स्टिकर खुल गया गलती से,
अब यहाँ से हम लोग ड्रा टूल करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से सिंपली जाके हम लोग सेव इमेज कर लेंगे थ्री डॉट पे क्लिक करके। अब फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में, जहाँ कि मैं ये देख सकती हूँ प्रीसेट है, अब इसको आप प्रीसेट्स को कॉपी कर लेंगे, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इसको कॉपी कर लेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ से सिंपली से जाके इसको पेस्ट कर देंगे फ्रेंड्स, इसको पेस्ट करना बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और फिर यहाँ से मिक्स में जाएंगे, थोड़ा सा मेरी फ़ोटो के लिए थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट है तो मैं इसको कर लूँगा, आपके फ़ोटो पे जैसा लगे आप इस तरीके से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए लाइट रूम में एडिटिंग करना बहुत ईजी है या फिर बहुत ही टफ भी है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप कलर ग्रेडिंग अच्छी कर लेते हैं तो आपकी एडिटिंग बहुत बेहतर होने वाली है। फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देखते रहिए, अगर ये स्क्रीन की जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उसी तरीके से अगर फॉलो करेंगे तो बढ़िया कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या क्वालिटी है फ़ोटो की, मैं एकदम बिल्कुल विजय महार की तरह ये फ़ोटो एडिट हो चुकी है। और फ्रेंड्स अगर आप कोई भी विजय महार की कोई भी पोस्ट आती है तो मैं तुरंत उस पर वीडियो डालता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि फ्रेंड्स आपको अपडेटेड वीडियो हमेशा मिलती रहे। मैं पर डे लगभग एक से दो वीडियो डालता हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ से सिंपली से थ्री डॉट पर क्लिक करके फोटो को कर लेंगे सेव, वीडियो को करते हैं इसे समाप्त। जय हिंद जय भारत।